शुचिता और आदर्शों की बात करने वाली बीजेपी में भी कलह कम नहीं होती नजर आ रही है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे के रोहिताश्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। रोहिताश्व ने कहा कि कल तक जो भस्मासुर थे वो आज वैद्य बनकर मरहम पट्टी कर रहे हैं। दरअसल वो पूनिया के करीबी राजेंद्र राठौर पर निशाना लगाते हुए राठौर को याद दिला रहे हैं कि राजेंद्र राठौर कल तक आपकी नजरों में भस्मासुर थे, आज वो पार्टी के मर्ज का इलाज कैसे कर सकते हैं। ये बात वो पूनिया के 23 साल पुराने वायरल हुए खत के हवाले से कह रहे हैं। पूनिया कैंप गहलोत सरकार को वसुंधरा राजे का आशीर्वाद होने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन बड़े दिनों बाद सक्रिय हुई वसुंधरा ने आरएसएस के पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होने पर अशोक गहलोत पर हमला बोला है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके समर्थक पार्टी के भीतर भी मोर्चा खोले हुए हैं। वसुंधरा के लिए मोदी शाह की नापसंदगी जग जाहिर है। वहीं गुजरात में भी इससे उलट हालात हैं। वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बीच जंग की खबर है। रूपाणी गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। समझा जाता है कि शाह की मर्जी के बगैर गुजरात सरकार में कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, जबकि पाटिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद माना जाता है। 19 मई को पीएम मोदी ताऊते तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने गुजरात दौरे पर आए थे, तब मोदी ने सीआर पाटिल के साथ अलग से बैठक की थी, जबकि विजय रूपाणी को बैठक से दूर रखा गया था। ये हाल मोदी और शाह के अलग अलग खेमों के बीच चल रही जंग का है। सुलह कराने के लिए राज्य प्रभारी भूपेंद्र यादव जुटे हुए हैं। कर्नाटक बीजेपी में भी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भी बगावत का माहौल है। बीजेपी विधायक अरविंद बेलार्ड ने कहा है कि उनका विश्वास है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और उनका लगातार पीछा किया जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी एमएलसी एएच विश्वनाथ ने नेतृत्व पर सवाल उठाया था और कहा था कि जनता सरकार के खिलाफ हो गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री श्री रामुलु का कहना है कि येदियुरप्पा सरकार में सब ठीक है और इन साजिशों के पीछे कांग्रेस है। वहीं विश्वनाथ येदियुरप्पा पर आयु और स्वास्थ्य को लेकर उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाते रहे हैं। समझा जा रहा है कि पार्टी के संगठन सचिव बीएल संतोष येदियुरप्पा को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। चूंकि येदियुरप्पा को मोदी का वरदहस्त हासिल है, पार्टी के महासचिव अरुण सिंह को मामला सुलझाने के लिए बेंगलुरु भेजना पड़ा था। वहीं मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय बंद कमरों में बैठकें करते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही कलह कमोवेश झारखंड में भी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा में ऐसी ठनी हुई है कि पार्टी कार्यालय लगभग सूना रहता है और कार्यकर्ताओं में मोहभंग का असर दिखने लगा है। वहाँ पार्टी में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की हलचलें भी तेज हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस से आए कुछ नेताओं ने वापसी के संकेत दिए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दबदबा घटने के आसार हैं। वहीं त्रिपुरा में भी पिछले दिनों ऐसी कलह दिखाई दी जहां कांग्रेस और तृणमूल से भाजपा में गए नेता मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव से खुलकर नाराजगी दिखाने लगे। वहीं सुदीप देववर्मन के नेतृत्व में असंतोष इस कदर खुला कि बीएल संतोष को राजधानी अगरतला पहुंचना पड़ा। फिलहाल वहां सहयोगी दलों के विधायक के इस्तीफे से बीजेपी सरकार ही संकट में आ गई है। संकट तो असम में भी बड़ा खड़ा हो गया था। खबरों के मुताबिक चुनाव में पार्टी के जीत के बाद बीजेपी नेता हिमंता विश्व शर्मा ने अंदर ही अंदर बगावत कर दी थी, मजबूरन उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सचिव के पद पर आरएसएस ही अपना प्रतिनिधि भेजती है ताकि बीजेपी में उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को लेकर पार्टी में बगावत के आसार नजर आने पर संघ को सीधे दखल देना पड़ा। बहरहाल ये साफ है कि उसूलों की सियासत की बात करने वाली पार्टी बीजेपी में भी दुर्भिसंधियां और भीतरघात कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।